नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट या उछाल के कारण होने वाली फसलों के नुकसान में किसानों को राहत देने के मकसद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन किया है और इसके तहत मिलने वाले लाभों को सरकार ने दुगुना कर दिया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना में सेब, आम, पलम, आड़ू, नींबू के अलावा अब 3 अन्य फलों लीची, अमरूद और अनार को भी जोड़ा गया है। मुख्य जो विषय है प्रदेश में बागवानी को लेकर है और हमारे वर्तमान सरकार का ये कोशिश है कि प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित किया जाए। और यहाँ पर जो एक क्रॉप इंश्योरेंस है, जो खासकर बागवानी को लेकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है, इस योजना के तहत सेब, आम, नींबू प्रजाति के फल, आड़ू, प्लम जो है इसमें कवर थे। परंतु अभी हमने पीछे जो है एक विशेष बैठक करके बीमा कंपनियों के साथ इसमें अब जो है लीची, अमरूद और अनार को भी इस योजना के अंतर्गत लाया है। इसमें जो मुख्यतः जो हमने कोशिश की कि इसमें जो बीमा की राशि है, सेब के लिए जो है 800 रुपये था प्रति पेड़, और जो आम है 620 रुपये है, और इसी तरह से नींबू प्रजाति का 495 रुपये है, और आड़ू का 475 रुपये और प्लम का 520 रुपये प्रति पौधा होता था। अगर इंश्योर्ड करने के बाद अगर कोई भी जो पैरामीटर्स थे उसमें अगर कोई किसी जो अगर फसल जैसे शीत जो है यानी कि चिलिंग पीरियड कम हो गया या तापमान ज़्यादा हो गया या बेमौसमी बारिश पड़ गई, तो इसका जो है अलग अलग जो है पैरामीटर्स बनाए हुए थे। जैसे अगर चिलिंग पीरियड कम हो गया तो 265 रुपये प्रति जो है पौधा मिलना था, और इसी तरह से तापमान अगर कम हो जाए तो 300 रुपये प्रति पौधा है, और इसी तरह से बेमौसमी ज़्यादा बारिश हो जाए तो 265 रुपये प्रति पौधा देने का प्रावधान था, और बारिश की जो है अगर ड्रॉट पड़ गया तो 390 रुपये प्रति पौधा था, और तेज़ हवा या आंधी तूफान के कारण जो फसल को नुकसान होना है उसका 280 रुपये प्रति पौधा था, और अगर ओलावृष्टि हो जाए तो 450 रुपये प्रति पौधा था। पर ओलावृष्टि के लिए अलग से जो है प्रीमियम में जो है आपको देना पड़ता था। तो जो प्रीमियम का जो है रेट है वो सेब को अगर लेंगे तो 75 रुपये प्रति जो है पौधा सेब का था, परंतु इसमें जो केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसमें अपना शेयर देते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सेब को अगर लेंगे तो ये कोई 280 रुपये से ज़्यादा जो है हमें कंपनियों को देना पड़ता है। तो जो किसान है सिर्फ उसमें 75 रुपये देंगे और बाकी जो है सारी धनराशि जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बांटा जाता है। तो ये जो राशि कुल टोटल मिलना था मैक्सिमम जो है सेब में 800 रुपये मिलना है, तो हमने जो इस बार इनके साथ बैठक करके इस राशि को बढ़ाया है। इस 800 को बढ़ाकर अब जो है आपको प्रीमियम भरने के बाद अगर जो नुकसान होता है तो मैक्सिमम जो है ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने गिनाया जैसे तापमान का अलग है, अगर चिलिंग कम हो गया, हेल हो गया, तो उसको मैक्सिमम जो है 1500 रुपये कर दिया। 800 से बढ़ाकर हमने इसको 1500 रुपये कर दिया। इसी तरह से दूसरे फलों का भी जो है जैसे आम का 620 था इसको बढ़ाकर 750 किया। ये जो स्कीम है अभी पूरे हिमाचल के जो सेब वाले एरिया है वो हमारे यहाँ पर 42 ब्लॉक है। अभी ये ब्लॉक भी जो है थोड़ा इसमें 6 ब्लॉक हमारे कम किए गए हैं, तो हमारे पास अब जो है करीब करीब 39 ब्लॉक सेब के लिए है इसमें, और आम के लिए जो है उसके भी 39 ब्लॉक है, प्लम के लिए 14 ब्लॉक है, आड़ू के लिए 5 ब्लॉक है, और सीट्रस के लिए 18 ब्लॉक में लागू किया गया था। और इसको अब जो है 2023 और 24 में इसको फिर जो है हमने बढ़ाकर खासकर सेब का तो 36 ब्लॉक हो गए, आम के लिए 65 ब्लॉक में कर दिया गया है, प्लम के लिए 29 ब्लॉक, आड़ू के लिए 16 ब्लॉक और सीट्रस फ्रूट के लिए 58 ब्लॉक्स जो है चिन्हित किए गए हैं, और अनार के लिए 21 ब्लॉक,
लीची के लिए 38 ब्लॉक और अमरूद के लिए 22 ब्लॉक, यानी इन ब्लॉकों में सभी जगह पर जो है ये बीमा योजना जो है लागू है और सभी जगह पर जो है वेदर बेस्ड है और वेदर के मॉनिटरिंग के लिए पूरे इनके मॉनिटर्स लगे हुए हैं। तो जो पैरामीटर्स मैंने इससे पहले आपके ध्यान में लाया है, अगर उनमें कहीं भी कोई किसी किस्म की कमी होगी तो हमारे ये जो रडार लगे हुए हैं ये उसमें हो जाता है कि चिलिंग पीरियड कम आया है या तापमान कम आया है जरूर और यहाँ बारिश कम हुई है या बारिश ज़्यादा हुई है या ओले पड़े हैं, तो उस बेस से ये मिलता है। तो इसमें जो है बागवानों से मेरा आपके माध्यम से ये उनसे अनुरोध करना है कि ये बहुत बढ़िया फसल बीमा योजना है, इसका आप जो है रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है पूरे हिमाचल में ही क्या पूरे दुनिया में मौसम में जो है अब परिवर्तन हो रहा है। तो आपने अगर अपने फसल को अगर उसका जो है उत्पाद को अगर कोई नुकसान का अंदेशा होता है मौसम के परिवर्तन से, तो इस बीमा योजना के द्वारा आप अपना बीमा इन अगर जो प्लांट्स है एप्पल है चाहे दूसरे सिट्रस फ्रूट्स है चाहे अमरूद है, इसका करके आप अपना जो है कुछ परसेंट अपना जो है आमदनी को बचा सकते हैं। तो इस योजना में बहुत कोशिश के बाद जो है इसकी राशि भी बढ़ाई गई है जो आपको प्रीमियम देने के बाद उपलब्ध होना है। तो इसके लिए मैं जो है यही आग्रह करूँगा कि सीज़न से पहले जो है जब ये बीमा का योजना शुरू किया जाता है आप अपना प्रीमियम भरें, और अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपको बागवानों को हर तरह से जो है सहयोग करने के लिए तैयार है।